हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग है करंट एनर्जीज में मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आपके लिए आज क्या है जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ मैसेज जैसे आपके लिए पर्टिकुलर हो, कुछ मैसेजेस, सब मैसेजेस या पर्टिकुलर कुछ मैसेजेस, तो जो भी है पॉजिटिवली जो आपको लगता है वही एब्जॉर्ब करना है, नेगेटिव जो लगता है सुन के अनसुना करना है। और देखते हैं कि आज के उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, देखते हैं। अच्छा, क्रश सिचुएशन और वो सब चीज़ के लिए भी वीडियो आएंगे, डोंट वरी, टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि पर्सनल रीडिंग भी होती है इसके लिए, बट कोशिश कर रही हूँ। रोमांटिक फीलिंग्स, यूनियन, ये जो एनर्जी है ना वो आज की आपने शाम की रीडिंग अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये एनर्जी निकल के आई है, वो भी आज वही एनर्जी है। अरे जो कलर थीम है ना वो भी सिमिलर है, एज यू कैन सी दैट, रोमांटिक फीलिंग, यूनियन, कार्मिक पार्टनर, एक्सपेक्ट मिरेकल एंड ग्रैटिट्यूड। सो कमिटेड रिलेशनशिप, अबाउट ऑन द डेक की एनर्जी है, कमिटेड रिलेशनशिप। सो काफ़ी हद तक आज की एनर्जी एकदम अलाइंड है, पूरी तीनों रीडिंग एक साथ अलाइन हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स वाली चीज़ मुझे फील हो रही है, क्योंकि जो आपने मैनिफेस्टेशंस किए थे ना एक वक्त पे, दिल से चाहा था, दिल से मांगा था, दिल से कुछ सवाल पूछे थे, ये जैसे ना रिटर्न आ रहे हैं कुछ, तो ये चीज़ जो आपकी तरफ ना खुशियाँ लौट के आ रही हैं, इनमें जो चेंजेस है, इनमें जो फीलिंग के चेंजेस है बहुत ज़्यादा एक अलग ही है, अलग ही है। एंड खास करके ऐसा लग रहा है कि अभी थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी है, भले वो एनर्जेटिकली ही सही रिलीज की एनर्जी है। ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यूनियन है, एक्सपेक्ट मिराकल, अनजाने में सही ये इंसान, द रोमांटिक फीलिंग्स, प्यार का एहसास बहुत ज़्यादा जाग रहा है, अनजाने में सही ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ बिताया पल वो याद कर रहा है और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। कुछ तो है जो आप दोनों के बीच में ना, जो जैसे एक दूसरे के लिए खींच रहा है, बहुत ज़्यादा खींच रहा है, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत खूबसूरत मैसेजेस और बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज, ये इनकी रोमांटिक फीलिंग्स है आपकी तरफ, यूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। एंड ये मिराकुलसली होगा, अचानक से कुछ भी ऐसा, लाइक जैसे वक्त आपका साथ दे रहा हो वैसे एनर्जी फील हो रही है। एंड लाइक कमिटेड रिलेशनशिप है उनको, मतलब ऐसा चाहते हैं ना कि ये इस रिलेशनशिप में अभी ना कमिटमेंट देना चाहते हैं। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, इनको पता है कि गलती इनकी थी, ये सब कुछ जो आपके बीच में सही नहीं हो रहा है या गलत हो चुका है उसके लिए वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, आपका होना उनकी ज़िंदगी में बहुत ही अलग लेवल का चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया था, इस बात को वो समझ में आ रहा है। आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी, डर लग रहा है, डर, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है कि आप उन मूव ऑन तो नहीं कर रहे, आप उनको भूल तो नहीं चुके हैं। आई डोंट लाइक वेन यू इग्नोर मी, सो आपकी तरफ से जो एक एफर्ट था ना कि इग्नोर करना, अपने ऊपर ध्यान देना, ये जो एक एनर्जी वाइज है ना बहुत काम कर गया है। और यही तो होता है ना एक मिरेकुलसली कि फ़र्क होता है, जितना आप इग्नोर करते हैं उतना वो इंसान आपकी तरफ खींचा चला आता है। आई नो यू आर वन फॉर मी, उनको एहसास हो रहा है कि जैसे आप उनके लिए ही बने हो, उनके लिए ही बने हो, यू आर टू गुड फॉर मी।
कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बने तो हो लेकिन बहुत अच्छे हो यार, जैसे ये समझते हैं कि ये आपके काबिल नहीं है। माई हार्ट एक्स फॉर यू, दिल आपके लिए ही धड़कता है डेफिनेटली। आई चूज टू बी विथ यू, तो मैंने कहा ना कि मुझे थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर जिसके कार्ड लगा था कि थर्ड पार्टी एनर्जी की रिलीज की एनर्जी है। दिल से इंसान सोच चुका है कि ये आपके साथ होना चाहते हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, मतलब इनसे आपसे बात नहीं हो पा रही है, दिल की बात या ठीक से कह नहीं पा रहे, बट समाव ऐसा लग रहा एक दिलो दिमाग में ना आप छाए हुए हैं। स्पेशली दिमाग में बहुत सारी बातें होती लाइक ना ऐसे एक होता ना एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, आपको तकलीफ़ दे के दुख दे के ये जो चीज़ें हो रही है ना इससे वो बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करे, तकलीफ परेशानी महसूस कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए, मिलना चाहिए, बात होनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। इट डजेंट फील राइट बिग अ पार्ट फ्रॉम यू, सो लगता है कि आपसे दूर रह के वो भी खुश नहीं है, अभी आप साथ नहीं हो उनका बहुत दिल टूट रहा है और बहुत ऐसे ख्याली चीज़ें हैं लाइक ना इमेजिनरी फीलिंग बहुत ज़्यादा है, आप साथ में हो तो कैसा होगा, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यूनियन के सपने देखे जा रहे हैं, जैसे कि ना कोई ड्रीम ऑफ इमेजिन कर रहा है, इस वाली फीलिंग आ रही है। सो एक्सपेक्ट मिरेकल। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, thank you.